हेलो एवरीवन वेलकम टू स्प्रिंट यूपीएससी वी आर डिस्कसिंग क्लास टेंथ एनसीआर टी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स टू हम है चैप्टर वन में एंड वी आर स्टार्टिंग पावर शेयरिंग सो इन द फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस द बेल्जियम एंड श्रीलंका एग्जांपल के मेजोरिटेनिज्म कैसा है श्रीलंका में और अकोमोडेशन कैसा है बेल्जियम में इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल एंड वॉट ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग डिटेल में समझते हैं एक एक करके देखिए वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल देर आर टू सेट ऑफ रीजन्स जो कि आप कह सकते हो दे आर इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग पहला रीज़न है ये अच्छा है क्योंकि क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है है ना हमने देखा था बेल्जियम श्रीलंका के एग्जाम्पल में श्रीलंका में जो है जो कॉन्फ्लिक्ट हो गई बेल्जियम में नहीं हुई क्योंकि पावर शेयरिंग अच्छे से हुई थी सोशल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट कम होती है देखो जब सोशल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट होती है वो कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली वॉयलेंस क्रिएट करती है या फिर आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी क्रिएट करेगी पावर शेयरिंग होगा यानी कि सारे ग्रुप्स में इक्वल पावर शेयरिंग शेयर्ड होंगी या फिर जिस भी इस में पावर शेयर हो रही हो अगर वो पावर शेयर होगी तो यहाँ पर आप स्टेबिलिटी इंश्योर कर सकते हो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकती है अगर मेजॉरिटी की विल इम्पोज कर दी माइनॉरिटी कम्यूनिटी पर तो फिर लड़ाई तो होगी होगी और हो सकता है कि शॉर्ट रन में चीज़ें ठीक चल जाएं लेकिन लॉन्ग रन में यूनिटी जो है नेशन की वो थ्रेटन हो सकती है सो द ट्रेनिंग ऑफ मेजोरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी बट इट रूल्स द मेजोरिटी एज वेल कि अगर आपने सिर्फ मेजोरिटी की बात मान ली तो सिर्फ वो माइनॉरिटी को इफेक्ट नहीं करेगा विद द लॉन्ग रन जैसे कि हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं लॉन्ग रन में वो मेजॉरिटी की भी पावर तो हटा दिया ना राइट right? फिर उसके बाद सेकेंड एग्जैसेकेंड रीजन इज अ वेरी डीपर रीजन कि क्यों है पावर शेयरिंग अच्छा डेमोक्रेसीज में क्योंकि ये डेमोक्रेसी की इट इज अ वेरी वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की बात की जाती है कि जो भी लोग हैं उनके बीच में सारी पावर शेयर की जाए है ना पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड है ना लोगों के कंसल्टेस के हिसाब से ही डेमोक्रेसी चलती है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो होगी वही गवर्नमेंट इट इज इट इज वन वे दिटिजन्स पार्टिसिपेट्स ओके और सिटीजन्स का स्टेक होता है सिस्टम में सो so, हमने जो पहला रीज़न पढ़ा था पहला रीज़न था कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी इट इज़ ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन अब प्रूडेंशियल का मतलब पूछोगे आप लोग प्रोडेंशियल का मतलब समथिंग विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल जिसके ऊपर थॉट दिया गया हो उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे गए हो आप बोलते हैं ना कोई प्रोडेंशियल डिसीजन लिया तो दैट इज समथिंग द डिसीजन हैज़ बीन गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंकिंग अ लॉट ऑफ स्क्रूटनाइजिंग राइट right? उसको प्रॉपरी स्क्रूटनी से गया होगा जिसमें आपने प्रोज एंड कॉन्स देखे होंगे उसी को बोलते हैं इट इज़ मोर ऑफ द प्रैक्टिकल रीजन सो फर्स्ट जो रीज़न देखा दैट वॉज मोर ऑफ द प्रैक्टिकल कि भाई कॉन्फ्लिक्ट अगर अवॉइड करनी है तो पावर शेयर कर दो सेकेंड वन जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं इट इज़ मोर ऑफ द मॉरल रीज़न राइट ये मॉरल रीज़न है कि डेमोक्रेसी के वेरी असेंस को जो है वैल्यूज को जो है सस्टेन करके रखना है सो so, नाउ लेट इस डिस्कस वॉट ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या फॉर्म्स होते हैं सो so, देखिए पा पावर शेयरिंग जो है इट हैज़ एमर्ज इन द ऑपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पोलिटिकल पावर ठीक है एंड ज़्यादा टाइम के लिए ऐसा बिलीव किया गया था कि जो सारे पावर्स हैं सारे गवर्नमेंट्स के दे डिसाइड इन वन पर्सन और वन ग्रुप और एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं तो इसी वजह से इन पावर्स को क्या किया जाए इनको डिस्पर्स किया जाए डिस्पर्स करेंगे तो सारे सेक्शन कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं बट ये ऐसा भी किया हो बोला जाता था कि एक ही पर्सन अगर डिसीजन लेगा तो कम टाइम लगेगा ठीक है चीज़ें जल्दी होगी डिलेज नहीं होंगे कोई डिसीजनस ले पाएंगे और इन्फॉर्सिबल भी जल्दी होंगे बट जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई एमरजेंस आया डेमोक्रेसी का ये सारे जो नोशंस हैं वो चेंज होते गए एक बेसिक प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेसी का वो होता है कि जो पावर होगी सारे पॉलिटिकल पावर होगी वो होगी कॉन्सेंट्रेटेड होगी लोगों के हाथ में ठीक है सो इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल दैम सेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट सो एक अच्छे डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक अच्छे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में द ड्यू रेस्पेक्ट इज़ गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप यानी कि सारे ग्रुप्स को रेस्पेक्ट दी जाए उनके जो व्यूज़ हैं उनको माना जाए उनके एग्जिस्टेंस को सोसाइटी में क्या किया जाए रिकग्नाइज किया जाए सो so, हर एक व्यक्ति के पास वॉइस होना चाहिए हर एक ग्रुप के पास हर एक कम्युनिटी के पास वो चाहे जैसे भी कास्ट कम्युनिटी uh, हो कोई क्लास की कम्युनिटी हो कोई रिलीजन की कम्युनिटी हो तो सबके पास इक्वल से होना चाहिए पावर होनी चाहिए एंड पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ओके सो देखिए हम अब पावर शेयरिंग के जो अरेंजमेंट्स हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज में उनके क्या क्या फॉर्म्स हैं वो पढ़ते हैं पहला फॉर्म पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हमारे यहाँ जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी ठीक है ये तीन ऑर्गन होते हैं यूजुअली डेमोक्रेसीज में ये तीन ऑर्गन्स होते हैं ना सो so, इन ऑर्गन्स में लेजिस्लेचर का काम क्या होता है लॉ मेकिंग का यही काम होता है एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है ये जो लॉ बना दिए गए हैं इनको एग्जीक्यूट करना हमने जो हमने जब पढ़ा था चैप्टर नाइन जब हमने पढ़ा था क्लास नाइन के एन तो हमने वहाँ पे देखा था कि ये जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर होती है uh, कि ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं दे आर टू टाइप टाइप्स पॉलिटिकल एंड परमानेंट सो दोनों मिलकर इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है तो इनका काम क्या है इम्प्लीमेंटेशन का राइट right? अब जुडिशरी का काम क्या है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अब कॉन्फ्लिक्ट किसी की बीच में आ सकती है कॉन्फ्लिक्ट एक सर्टेन पर्सन के बीच में और दूसरे पर्सन के बीच में या फिर स्टेट और पर्सन के बीच में या फिर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ठीक है ये ऑर्गन है यहाँ पर आपको क्या मिला डिवीजन ऑफ पावर पावर क्या है लॉ मेकिंग के पावर इसके पास है एग्जीक्यूशन का पावर यानी कि इम्प्लीमेंटेशन का पावर uh, एग्जीक्यूटिव के पास है और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का ज्यूडिशियल पावर इसके पास है सेपरेशन हो गया पावर का इसको बोलते हैं हॉरिजोंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट में सो so, ये जो सेपरेशन है ये इंश्योर करता है कि किसी एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर ना हो ऑल्सो ये आपस में चेक्स एंड बैलेंस भी रखते हैं इसी वजह से दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग्स द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ठीक है मॉडर्न डेमोक्रेसी में इवन दो मिनिस्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज द पावर दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज सिमिलरली जजेस जो अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा दे चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और जो भी लॉ बनाया जाता है लेजिस्लेचर में उसको चेक करते हैं इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस अब देखिए सेकेंड क्या है सेकेंड फॉर्म जो पावर इज शेयर्ड अमंग्स गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल ठीक है तो इन जनरल जो पूरी कंट्री होती है गवर्नमेंट होती है आपको देखने मिलेगा हमारे देश का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे यहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट है और फिर होते हैं रीजनल गवर्नमेंट जिनको हमारे यहाँ बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट है ना तो बाकी देशों में रीजन प्रोविंसेस कुछ भी बोला जा सकता है ठीक है दिस इज द यूजल फॉर्म इन द एनी ऑफ द डेमोक्रेसी जहां पे इस तरह का सिस्टम होता है सो जनरली गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है और हमारे जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है और जो प्रोविंशियल लेवल पे होती है रीजनल लेवल पे होती है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स बोला जाता है ठीक है नाउ देर आर मैनी कंट्रीज जहां पे आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं मिलेगी बट जैसी हमारी जैसी कंट्री में जहां पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशंस ने अलग अलग पावर देखे रखे हैं इन सारे ऑर्गन्स को दिस इज वॉट दे डिड इन बेल्जियम ऑल्सो बट इट वॉज डिफ्यूज इन श्रीलंका एंड इसको बोलते हैं फेडरेशंस या फिर फेडरल डिविजन ऑफ पावर जहाँ पे ये यूनिट्स के पास भी अलग अलग हैं हमारे यहाँ थ्री टीयर सिस्टम है हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है यूनियन गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशनस एंड म्यूनसिपैलिटीज़ हैं जो कि सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर लेकर आए गए थे हमारे पहले सिर्फ ये दो सिस्टम हुआ करते थे, थे फिर हमने इनको एडप्ट कर लिया पी को और म्यूनिसिपैलिटीज़ को यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को ठीक है सो so, ये जो होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर ओके नाउ द थर्ड वन इज पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स जैसे कि रिलीजियस ग्रुप हो गए या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गए कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जाम्पल है बेल्जियम का जो हम पढ़ चुके हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका एंड कुछ कंट्रीज में देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट्स जहां पे वीकर सेक्शंस को स्पेशल पावर दिए जाते हैं या फिर वुमेंस को ज्यादा स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं यानी कि हमारे यहाँ भी रिजर्वेशन सिस्टम है रिजर्वेशन है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे एस सी एंड एस टी कम्युनिटी के लिए आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं उसमें आपको वुमेंस का भी रिजर्वेशन आपको देखने मिल जाएगा तो कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं असेंबलीज में पार्लियामेंट में जैसे हमारी कंट्रीज में होती हैं फॉर दीज सेक्शंस तो इसको बोला जाता है पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स नाउ ये अरेंजमेंट क्यों किया जाता है ये इसीलिए किया जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो उसको एक फेयर चांस मिले पावर शेयर करने का यही रीज़न है फिर उसके बाद वॉट इज़ द फोर्थ फोर्थ वन इज वाई वेन लाइक इट इज़ द पावर वेर पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स दे कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस दोज हु आर इन द पावर डेमोक्रेसी का ये मेन एसेंस है जहाँ पे ये सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दे एफेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ द लाइक द वन हु आर इन द पावर कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज में हमारे यहाँ जो कॉम्पिटिशन चलता है पोलिटिकल पार्टीज में ऑपोजिशन का जो कॉम्पिटिशन चलता है वो क्या करता है वो प्रेशराइज़ ही करता है प्रेजेंट गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट पावर है ठीक है सो अभी देखिए जैसे कि हमारे यहाँ कोलिजन गवर्नमेंट आ रहा है एग्जाम्पल बताती हूँ कोलिजन गवर्नमेंट चलते हैं तो एक से एक दो तीन जितनी भी पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं लेकिन इन पार्टीज़ के डिफ़रेंट आइडियोलॉजीज़ हो सकते हैं तो सपोज़ कोई लॉ बनाया जा रहा है तो जो भी गवर्नमेंट में है जो भी पावर में है उसको ये जो तीन पार्टीज़ का सपोर्ट लिया है कोलिजन में उसको इन तीनों की बातें सुन के बनाना पड़ेगा लॉ और आजकल तो ऐसा भी होता है कि बहुत से तरीक़ों पे कोई लॉ लेकर आया जाता है जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं प्रोटेस्ट होते हैं मूवमेंट्स होते हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट को अपने पावर्स अपने जो लॉज़ हैं उनमें चेंजेस लाने पढ़ते हैं ठीक है समटाइम्स दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट वैन टू मोर पार्टीज फॉर माई अलायंस जैसे कि हमने लोग गवर्नमेंट की बात करी सो so, वही सिस्टम है और इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट सच एज द ट्रेडर्स बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट फार्मर्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स ठीक है ये भी गवर्नमेंटल पावर शेयर करते हैं ये भी पार्टिसिपेट करते हैं कैसे आपने सुना होगा लेबर यूनियन ठीक है लेबर यूनियन की स्ट्राइक हो गई तो अपनी बातें मनवाने के लिए ये प्रोटेस्ट और स्ट्राइक करेंगे और ऐसे करके दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सो आई होप यू अंडरस्टूड द इंटायर थीम ऑफ पावर शेयरिंग हमने समझने की कोशिश की दो एग्जाम्पल से और देखा क्यों डिजायरेबल है और क्या फॉर्म्स होते हैं कितने तरह के फॉर्म्स होते हैं आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीस थिंग्स एंड इफ़ यू डिड एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन Subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यू पी एस सी एप यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैपर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे सो तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिट यू पी एस सी इसके लिए परफेक्ट ऐप है आई एल सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच